ऐसे मांग रही हो कि लूट रही हो, प्रेम से मांगो। हाय दैया, जो तुम्हारे पति हो हम प्रेम से काहे मांगे? हमका शर्म नहीं आएगी का? और तुमका भी नहीं आएगी। और ऊपर से अगर प्रेम की पत्नी को पता चला तो उका बुरा नहीं लगेगा। अरे इंदुमती, जब अकल बट रही थी तो तुम कहाँ थी? तुमसे पैसे मांग रहे थे हाँ, तब भी नहीं दिए थे। हमेशा बातों में उलझाए रखते हो। कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो? तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है। अरे इंदुमती, काहे सवेरे सवेरे अकारण आक्रमण कर रही हो? पैसे काहे चाहिए? गुड्डू की शादी हो रही है ना, तो हम सोच रहे थे एक नई साड़ी खरीद ले, एक नई जोड़ी चप्पल, लिपस्टिक, पाउडर, लाली, सब तो खरीदना है। ठीक है दिलवाए देंगे, बस खुश। पहली बार में माने हो? वरना जब तक हम 10 बार धमकी ना दे के हम अम्मा घर जा रहे तब तक मानते ही नहीं। का? कुछ नहीं, आई लव यू। हाय दैया, शर्मा रहे हो? शर्मा रहे हो? शर्माना छोड़ो और पैसे निकालो। और सुनो, वो 10 साल पहले कोट खरीदे थे ना, तो उनका जरा धूप दिखा देना। गुड्डू की शादी में वही पहनना, ठंडी का मौसम है ना, ऊपर से मफलर भी डालना एकदम शाहरुख खान की तरह। तुम भी ना एकदम काजोल की तरह कर रही हो। शर्माना हो गया, अब निकालो का कोट। ना ही पैसा। हाँ ठीक, दे रहे हो ना? हाँ ला रहे। दे रहे हो? ला रहे। दे रहे हो? ला रहे ना यार, हमेशा लब लबाए रहते हो। दूल्हे राजा इतराए, हल्दी चंदन चढ़वाए। क्या खुशबू है छोटो। बदबू आ रही है, पर चूहा मर गया है का? आहा। अरे चूहा हुआ कुछ नहीं, मर गया है। इस कोट में से इत्र की खुशबू आ रही है भाई। इत्र कब लगाया था? अरे जब हमारी पहली शादी हुई थी दीदी, तब हमने ऐसे सिलवाया था और तभी इस पे इत्र लगाया था। कह रही है बदबू इस कोट से आ रही है। हम सोचे कोई चूहा मर गया है। फेंको इस कोट को। अरे फेंको मत दीदी, हम इसे गुड्डू की शादी में पहनेंगे, इसीलिए हम इसे धूप दिखा रहे। अरे अरे सुरेली, सुरेली क्या कर रही? अरे 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 सुरेली क्या कर रही हो तुम? हम इसे पहले गुड्डू की शादी में पहनेंगे, फिर तुम्हारी शादी में पहनेंगे। कोनो जरूरत नहीं है, सारे बाराती भाग जाएंगे। मौसी, तुम्हारे घर में चूहा मरा है क्या? बताओ। अरे भागो यहाँ से, चूहा मरा है क्या? दीदी हम इसे थोड़ी देर धूप में सुखा देते हैं तो फिर ये ताजा हो जाएगा, है ना? दीदी तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, गुड्डू को हल्दी लगानी है, है? इसलिए बेसन और हल्दी का उपटन बना रहे हैं, देख नहीं रहे हो का? दीदी हल्दी देख के हमें लग रहा है कि हम भी शादी कर लें। का बकलोली कर रहा है? जाओ सबको बुलाओ, जाओ हल्दी है, गुड्डू को हल्दी लगनी है, जाओ बुलाओ। हाँ अपना गुड्डू सावला है, हल्दी लगाने के बाद गोरा नहीं, पीला तो जरूर हो जाएगा है? अरे पीले तो पिताजी हुए थे एक बार। कब? जब उन्हें पीलिया हुआ था। का बकलोली कर रहा है, जाओ भाग भाग। नहीं 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 नहीं, देखो भाइयों, हमने डिसाइड किए हैंगे कि हम सबको मिलके गुड्डू को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अरे मिलके काहे, तुम अपना व्यवहार दो, हम अपना व्यवहार देंगे, क्यों चौरसिया? हाँ हाँ, हमेशा तो यही करते हैं, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। अरे पर मिलके देने में फायदा का है? फायदा हैंगे, पर तुम्हारा नहीं गुड्डू का फायदा हैंगे। एक बात बताओ, तुम लोग गुड्डू की शादी में कितना शगुन देंगे? भाई एलिजा बहुत दिल खोल लिया तो यही कोई 51 रुपया दे देंगे। हम तो सोच रहे हैं गुड्डू पर हमारा इतना उधार है, 51 रुपया उसी में से कम कर देंगे। अरे सुत्तीलाल, तुम्हारी हाइट छोटी हैंगी तो कम से कम बात तो बड़ी किया करो।
लापता गंज में इतने दिन बाद शादी हो रही हैंगी। अरे तुम लोग कंजूसी कर रहे हैंगे? हम सब लोग मिलके 100-100 रुपए डालेंगे तो मोटी सी रकम जमा होगी, उससे हम लोग गुड्डू के लिए मोटा सा गिफ्ट खरीदेंगे जो उसके काम आ जाए। क्यों मामा? अब बाबा भाई बात तो एकदम सही है लीजा की। अगर सब लोग मिलके 100-100 रुपए डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने डाले या नहीं। भाई तुम लोग पैसे इकट्ठे करके मोटा सा गिफ्ट लाओ, नीचे हमारा भी नाम लिख देना। और तुम पैसे नहीं डालोगे? अरे पैसे तो पिताजी डालते थे, उन्होंने इतने डाल दिए कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। खैर भाई हम तो निमंत्रण देने आए हैं कि गुड्डू की हल्दी में चलना है या नहीं। लेकिन मामा हल्दी तो औरतें लगाती हैंगी, हम लोग क्या करेंगे? हम औरतों को हल्दी लगाते देखेंगे। अच्छा फिर चलते हैं। चलो। अरे अरे कहाँ ले जा रही है? अरे आंटी, अरे भाभी, अरे अरे भाभी भाभी क्या कर रहे हैं? अरे भाभी, अरे भाभी छोड़िए, क्या कर रहे हैं आंटी? पैरों में मेहंदी लगी है, क्या हो रहा है? पापा कसम हमारे साथ था इसलिए थोड़ा गोरा हो गया है, नहीं तो उससे पहले अपने पापा एक तरह काला भुजंग था। क्या बोला भी लौंडे? अरे कुछ नहीं चाचा, अब नहीं बचा। अरे एक जमाना था हम भी बहुत गोरे थे। अरे कितना सौ साल पहले की बात कर रहे हैं, हम जब से ब्याह के आए हैं ऐसा ही देख रहे हैं आपको। अरे का वाजपेयी जी, आप भी औरतों के चक्कर में फंसे पड़े हैं। चलिए बाराती और घोड़ी वालों से बात करके आते हैं। चलिए चलिए, नहीं तो झेप झेप के खुद ही पीले हो जाएंगे। चलिए आइए चलिए। हल्दी लगाओ बहनो, मौसी बस कीजिए। अरे अम्मा बचाओ अम्मा। लगा ले मुंह पीला कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं तुझे। इंदू मौसी हल्दी घाटी से हल्दी लेकर हम भी आ गए हैं। हाँ अरे बैठ जाओ। इंदू जीजा जी कहाँ हैं? हाँ कहीं उनके पैरों में मेहंदी तो ना ही लगी जो हल्दी माँ ना ही आए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे किसी ने कहा ही नहीं? कहा तो था लेकिन वो कुछ सरकारी काम से, जरूरी काम से शहर गए। हाँ अरे कोई बात नहीं, तुम आ गई ना, मुस्कुराओ और हल्दी लगाओ बहनो। मामा हाँ, ये हल्दी क्यों लगाते हैंगे? भाई देखो हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। हाँ। मैं और शादी के बाद इतनी पिटाई होती है कि एंटीसेप्टिक की जरूरत पड़ती है। हाँ। इसीलिए पहले ही इतनी हल्दी भर देते हैं कि बाद में कितना भी पिटो बस कोई परवाही नहीं। पापा कसम गुड्डू का चेहरा पीला पीला होते देख हमारा भी मन कर रहा है कि हमारे फेस भी येलो येलो सा हो जाए। कब तुम्हारा हाथ और हमारा फेस येलो होगा? अबे 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 पहले अपना मुंह काला करो, तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं, यहाँ है। माँ फुर 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 कह रही है, इसी बात पे तुमको येलो कौवा दिखाए। अरे येलो कौवा वहाँ नहीं, येलो कौवा वहाँ है। होता है कभी कभी कौवा पीला भी होता है। अरे कछुआ चाचा बहुत सही टाइम पर आए हैंगे। आते हैं कुछ लोग सही टाइम पे ही आते हैं, लेकिन पिताजी तो हमेशा गलत टाइम पे आते थे। हाँ कभी कभी कुछ लोग गलत टाइम पे भी आते हैं। और गुड्डू कछुआ चाचा प्रणाम। खुश रहो शादी कर रहा। हाँ। करो करो करो। हाँ कहीं भी हो शादी खाने पहुँच ही जाता है। अरे मिश्री हाँ? हम कभी घोड़ी पे तो चढ़े नहीं, तो सोचते हैं कि कम से कम बरियाती तो देखते ही रहो। चाचा कुछ लोग सिर्फ बारात ही देखते हैं, शादी नहीं करते। हाँ बेटा सही जा रहे हो, हमको तो तुम्हारे अंदर एक नया कछुआ दिखता है। अरे जो 30 साल बाद इसी लापतागंज में ये कहते हुए पाए जाओगे अब घोड़ी नहीं चढ़े हैं तो कम से कम बरियाती तो देखते रहे।
बारात नहीं कछुआ चाचा, हल्दी देखी हेंगी। ना ना, हम शादी तक रहेंगे। हल्दी लगाओ बहनों। एक मिनट जरा चुप हो जाइए। लड़की के पिता आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भाई एक बात कहना तो हम भूल ही गए। क्या आप बरातियों का स्वागत पान मसाले से करना चाहते हैं? अरे हम पान मसाले के खिलाफ हेंगे। भाई हमारी एक शर्त है शादी की, हम शादी में लड़की नहीं देंगे। लड़की नहीं देंगे तो गुड्डू शादी किससे करेगा? नहीं नहीं, दरअसल क्या है कि हम गुड्डू को अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं। क्या भाई, क्या है कि हमारी दुनिया तो हमारी बेटी दुनिया से है, अगर वो चली गई तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया भी चाहती है गुड्डू घर जमाई बने। हम ऐसा नहीं करेंगे। अबे तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, गुड्डू को बुलाओ। अरे गुड्डू हम ही हैं। कल तक तो काले काले थे, पीले कैसे हो गए? ऐसा क्या पी लिया जो हो गया पी लिया? डॉक्टर डॉक्टर को दिखाओ। अरे हल्दी लगी है, पर उतार दो, हमको नहीं करनी है ये शादी वादी। देखिए थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, जल्दबाजी में नहीं। चुनिया दुबे बहुत शरीफ इंसान लगते हैं। लगते हैं मतलब हम शरीफ इंसान हैं। भाई वाजपेयी जी देखिए कि आपका लड़का हमारे घर में राज करेगा। इकलौती बेटी है हमारी, घर मकान दुकान खेत रेत सब उसके, बस अपना लड़का हमारे घर भेज दीजिए। अगर मंजूर हो तो बता देना, वरना इसकी सोने की चैन घड़ी वापस कर देना, हम चलते हैं। अरे वापस करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, घर जमाई बनने से इज्जत कम होती है। बेटा अरे तुम यहाँ लापतागंज में रह के ऐसा कौन सा तुमको पद्मश्री और भारत रत्न मिलने वाला है? अरे यहाँ रह के तो तुम ही बीजी पांडे के साथ आवारा लौंडों की गिनती में आते हो। अरे जैसे गुणवंती लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, सास ससुर का सेवा करके उनका दिल जीतती है, वैसे ही तुम भी अपने ससुराल जाओ, सास ससुर का सेवा करो, उनका दिल जीतो। कछुआ चाचा एकदम सही कह रहे हैं। बेटा तुझे इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा। अबे पगला गया हो क्या? पापा कसम अंकल सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी बे। समझो यार, पापा कसम तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको दुकान वकान खोल के दे रहे हैं, धंधे पे लग जाओगे बे। नहीं तो ऐसा ही आवारा गर्दी में वक्त निकल जाएगा। हाँ। तो अरे भाई हम लापतागंज छोड़ के नहीं जा सकते हैं। सुनो बेटा, लड़की अपने ससुराल जाती है तो पराई हो जाती है का? ए गुड्डू, मौसी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, अरे ये समझ लो ना कि लापतागंज तुम्हारा मायका है। हाँ, जब मन किया आ जाओ। हाँ? नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चुप चुप, एकदम चुप। मुकुंदी भैया आप लड़की की बात को खबर कर दीजिए, हमें मंजूर है। अब यार गुड्डू। हाँ? यार कल तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम घर जमाई बन जाओगे। हाँ भैया, ये तो दुनिया की रीत है। अबे हमारे बीच में दुनिया दुनिया का है लेके आ रहे? अरे भैया दुनिया मतलब दुनिया दुबे नहीं, दुनिया मतलब दुनिया, वर्ल्ड, वर्ल्ड की रीत। अबे कोई भी रीत हो, लेकिन सच तो ये है गुरु कि तुमको मिल गई है मीत और तुमने कर दिया हमको चीट। नहीं भैया। अच्छा सुनो गुड्डू, तुमको हमारी याद आएगी। हाँ भैया। अबे झूठ बोल रहे हो? सच कर रहे हैं भैया, याद आएगी। अच्छा बड़े भाई,
सच बताएं, हमको भी तुम्हारी बहुत याद आएगी और दो दिन से यही सोच सोच के हमने खाना तक नहीं खाया है। क्या? तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा, छड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू कल चला जाएगा। के दिन गुजारना याद ना करना मुझे, हंस के दिन गुजारना, हंस के दिन गुजारना।